वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय योजना। आमतौर पर हम 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हमें से अधिकांश को सेवानिवृत्ति पर कुछ एकमुश्त लाभ मिलता है। यह राशि शेष जीवन के लिए हमारी संपत्ति है, लेकिन अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों को किसी पर निर्भर देखा जाता है या कुछ वर्षों में उनके पास पैसा नहीं रह जाता है। कारण है, वे इस पूंजी का ही उपयोग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए करते हैं। कभी कभी उन्हें इस पूंजी से भुगतान करने के लिए भारी मेडिकल बिलों का सामना करना पड़ता है। 3. वे इस सेवानिवृत्ति कोष से ही अपने परिवार मदद करते हैं। क्या हम इस त्रासदी से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, बुनियादी वित्तीय योजना को समझकर हम निश्चित रूप से अपने एक बार प्राप्त सेवानिवृत्ति कोष से सभी उल्लिखित बड़े खर्चों की योजना बना सकते हैं। आइए वित्तीय नियोजन के बारे में और जानें। वरिष्ठ निवेश के बारे में कुछ बुनियादी सिद्धांत। हमेशा अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। इसका मतलब है, आपको अपनी पूंजी सुरक्षित रूप से निवेश करनी चाहिए ताकि यह आय स्ट्रीम उत्पन्न करना शुरू कर दे। आपको इससे उत्पन्न आय का उपयोग खर्चों के भुगतान के लिए करना चाहिए। इसके लिए कुछ निवेश उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य बीमा, यह निवेश योजना में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारी मेडिकल बिलों के लिए तैयार रहें। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के पास अपने मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए। यह चिकित्सा प्रयोजन के लिए अग्रिम रूप से फिक्स डिपॉजिट करने जैसा है, जिसके लिए आपको किश्तों में भुगतान करना है। याद रखें, यह आपकी पूंजी की सुरक्षा का साधन है। इसे निवेश पर रिटर्न न समझें। हर साल केवल 5-10% भुगतान करके आपको मेडिक्लेम की राशि के लिए 100% सुरक्षा मिलती है। आपके लिए आय का स्थिर प्रवाह। एनसीडी और बॉन्ड ऐसे उपकरण हैं जिन पर आपको अपनी एकमुश्त पूंजी निवेश करने के लिए विचार करना चाहिए। वे स्थिर आय उत्पन्न करते हैं और निवेश के लिए सुरक्षित साधन हैं। कुछ हिस्सा बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करें। इस पैसे का इस्तेमाल आप आपात स्थिति में कर सकते हैं। बीमा वार्षिकियां या पेंशन योजनाएं भी निवेश के लायक हैं, क्योंकि वे जीवन भर निश्चित आय प्रदान करती हैं। म्यूचुअल फंड या स्टॉक, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा ना? क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक अच्छा रिटर्न देते हैं। हाँ, यदि आपकी मासिक आय का ध्यान एनसीडी, बॉन्ड या वार्षिकियां में आपके निवेश द्वारा रखा जा रहा है तो, या सरकार से पेंशन आ रहा है, ये तभी अच्छा रिटर्न देंगे जब आप बाजार के उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो और कोई अच्छा मुनाफा देखने से पहले इंतजार कर सकते हैं। मैं अपने परिवार की मदद करना चाहता हूँ। फिर जब आपकी सारी देनदारियां खत्म हो जाएं, तभी आपको दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें सीधे पूंजी सहायता की पेशकश करने के बजाय अपनी पूंजी को कम जोखिम वाले उपकरणों में निवेश करें और इससे उत्पन्न रिटर्न परिवार के जरूरतमंद सदस्य को प्रदान करें। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हम सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार हैं। हम सभी प्रकार के निवेश उत्पादों में डील करते हैं, जैसे मेडिक्लेम सावधि जमा, एनसीडी, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड, बीमा, वार्षिकियां और पेंशन उत्पाद। तो बेझिझक अपनी वित्तीय योजना के लिए हमें कॉल करें। धन्यवाद। अद्वैत देशपांडे, 9145349490।